गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जी सर में। आज हैं 20 सितंबर और आज के जितने भी शिक्षा विभाग के समाचार हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखिए आज के अपडेट क्या है। अधिकारी सहित अन्य पदों के लिए आवेदन आमंत्रित। भारत प्रतिभूति मुद्रालय नासिक रोड में निकली ये भर्ती है 16 पदों के ऊपर। IDBI बैंक डिप्टी CTO सहित अन्य पदों के लिए निकली भर्ती। 30 सितंबर है अंतिम तिथि। NTA ने SIAPGET 2022 की तिथि घोषित की, 15 अक्टूबर को है परीक्षा। DLED काउंसलिंग में शामिल होगा हनुमानगढ़ का BSTC कॉलेज, तैयारियां पूर्ण। गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने पर जताया रोष। बजरंगगढ़ चौराहा स्थित विजय स्मारक पर धरना देकर शिक्षकों ने जताया विरोध। मंत्रालय कर्मियों के पदोन्नति नियमों में छूट देने पर चर्चा। ये दोस्तों कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 जयपुर से विज्ञप्ति है और ये सवाई माधोपुर की प्रेस विज्ञप्ति, आप देख सकते हैं। वीडियो को रोक करके आराम से अगर आपसे संबंधित रहता हूँ। 12वीं कक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मिलेगी तवज्जो। CBSE बोर्ड 10वीं और 12वीं 2023 के सैंपल पेपर्स जारी। कोविड पूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का 14% वेटेज था, अब 22 से 25% रहेगा। भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड इंजीनियरिंग कार्यकारी ट्रेनी पदों के लिए आवेदन मांगे। 4 अक्टूबर है अंतिम तिथि। ISP अधिकारी पदों के लिए मौका। ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ सकते हैं। डेली आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको डेली यहाँ पर अपडेट है वो मिलती रहेगी। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलकर भूली सरकार। भौतिक सुविधाओं के लिए बजट की दरकार। महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अंग्रेजी माध्यम चीखली का मामला। स्कूलों के काया पलट के बादशाह बने बामासा। डोनेट टू ए स्कूल चूरू में मिली सर्वाधिक राशि। बांसवाड़ा चौथे पायदान पर। बरसों बाद जगी खुशियों की आस। 23 सितंबर तक मांगी आपत्तियां। पंचायती राज कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 की वरीयता सूची जारी। बाल दिवस पर सभी कक्षाओं की प्रतियोगिताएं जरूरी। बजट 200 रुपये का। अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों को बुलाना होगा। प्रथम विजेता को 20 रुपये का इनाम। 180 रुपये के इनाम और 20 रुपये में टेंट सहित सभी इंतजाम करने होंगे। सहायक आचार्य हिंदी के साक्षात्कार शुरू। RPSC झुंझुनू के नर्सिंग कॉलेज में पहले वर्ष 60 विद्यार्थियों को मिलेगा प्रवेश। पूरे राजस्थान में सीट मंजूर। NDA का परीक्षा परिणाम घोषित। RPSC CBSE बोर्ड 10वीं और 12वीं के सैंपल पेपर जारी। असमंजस हुआ दूर। शैक्षिक अधिवेशन 23 और 24 को। स्कॉलरशिप परीक्षा के आवेदन आज से। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रवेश के लिए आवेदन 21 से। BBA BCA आवेदन की अंतिम तिथि आज। बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज। विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षा निदेशालय का धरना घेराव। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ। न्यूनतम प्राप्तांकों में स्थिरता की मांग। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा। जिला स्तरीय राजीव गांधी ओलंपिक खेल की तिथियों में संशोधन। स्वास्थ्य विभाग 235 फार्मासिस्ट और 44 सूचना सहायक के पद सर्जित। JNU में 19 पाठ्यक्रमों में पुनर्मूल्यांकन तिथि बढ़ाई। व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर 21 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन। स्कूलों का स्तर जांचने के लिए अब शाला सिद्धि कार्यक्रम
और मूल्यांकन, शिक्षक पढ़ाई से अधिक इन कार्यक्रमों में उलझे। बोर्ड की त्रुटि, विद्यालयों पर पड़ी भारी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधता का मामला। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों से रोक हटाए सरकार। रिक्त सीट पर शुरू हुए सीधे प्रवेश, पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। दोस्तों ये थे आज के अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।